नमस्कार, मैं नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। जौनपुर के जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग जो कि वाराणसी हाईवे रोड पर जाता है, लगभग आधे घंटे तक फाटक बंद रहने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों की ओवरब्रिज की मांग है। जौनपुर से विनय गुप्ता की। अब देखिए यहाँ पे जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग जौनपुर में ये बेचारे कम से कम 20-25 मिनट से सब पूरी पब्लिक परेशान दोनों तरफ। यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन जाए जनता की डिमांड है। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई साहब, हम यही कहना चाहते हैं यहाँ ओवर ब्रिज बन जाए। बहुत आपका क्या ख्याल है बंधु कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए? हाँ सर, बहुत जरूरी है यहाँ, बहुत जरूरी है। टेम्पो वाले पूछे, टेम्पो वाले बहुत जरूरी है। आप भैया कब से खड़े हैं यहाँ? हम लोग आधी घंटा हो गया, बहुत जाम लगा हुआ है। आधी घंटा ब्रिज बन जाए तो बढ़िया है। यहाँ पे जो है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। क्या सर आप? बिजनौर के चांदपुर थाना में कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि दतियाना रोड ग्राम सैदवार के जंगल में सूर्योदय कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास एक खंडहर मकान में कुछ बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल सहित मौजूद है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने अपने साथ सब इंस्पेक्टर पर पवनवीर सिंह, सुनीराम रंगा, सोमवीर सिंह तथा सुमित कुमार के साथ मौके पर पहुंच कर छापेमारी किया। मौके पर मौजूद बाइक चोरों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें पुलिस ने 7 बाइकों के साथ एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक चाकू सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है। प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए बाइक चोरों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। फास्ट न्यूज की टीम से बात करते कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह। बाइक कहाँ से और कैसे पकड़ी? कस्बा चांदपुर में 3-4 महीने से बाइक चोरी हो रही थी, विशेषकर जो है नफीस का जो हॉस्पिटल है उसके आसपास से। तो हमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक चोरों का गिरोह जिसमें जो है ये सोनू है, चंद्रशेखर है और संदीप, आपस में ये रिश्तेदार भी है, तो ये इकट्ठे कर रखी थी उन्होंने और बेचने के फिराक में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो ये दतियाना रोड पर एक खंडर मकान में ये कल शाम तीनों जो है इकट्ठा थे और इनके पास में 7 बाइक थी। ये जो है हाँ पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। इन्होंने पुलिस पर जान से मारने के लिए अक्सर फायर करा और जो है पुलिस ने अपना बचाव करते हुए ना तीनों को मौके से पकड़ लिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा। विराम के बाद पुनः सभी का स्वागत है। बिजनौर के गन्ने के खेत में मिला 10 फीट लंबा अजगर, जिससे ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया है। फास्ट न्यूज की टीम से बात करते रशीद। नाम क्या है तुम्हारा? रशीद। कैसे कैसे देखा तुमने? मैं बैठा था, फिर क्या हुआ? उसके बाद एक लड़का गोला ठाने गया। अच्छा, गोले के नीचे जब देखा तो सांप है। अच्छा, कितना मोटा था वो? कम से कम होगा मेरे ख्याल के 10 फीट की लंबाई का। अच्छा, कितना वजन होगा? होगा कम से कम मेरे ख्याल के 20-25 किलो। तो फिर कैसे उसे पहुंचाया? फिर पहुंचाया हमने इसे, मीडिया उन्हें कॉल करी। किसे? वन विभाग वालों को। अच्छा, तो उनको कॉल करी। तो कब आए वो? वे आए कम से कम 1.5 घंटे बाद। तो इतने सांप को कैसे पकड़ा? इतने सांप को मैं भाई उसके मेड़ों के अंदर ही वहाँ बैठा रहा, मैं उसके दौरे बैठा रहा, जितनी जनता खड़ी थी वो सारी की सारी मैंने उन्हें छूने नहीं दिया। अच्छा, तो फिर आके वो कैसे ले गए? उसके बाद उन्होंने आके पकड़ा।
अच्छा डंडे से उसके मुँह दाबा, उसके फिर कट्टा डाला, कट्टे के अंदर उसे बंद करके जब लेके गए। अच्छा तो इसका वजन कितना होगा तुम्हारे अंदाज में? मेरे अंदाज में 25 किलो वजन होगा। 25 किलो अच्छा जी। और भी कोई है? लंबाई इसकी कम से कम 10 फीट लगी। एक और है या यही था? एक और है। कितने मोटा है वो भी? वो भी इससे मोटा है। झारखंड के देवघर लायंस क्लब ऑफ रांची ईस्ट, निर्मया अस्पताल पोखरी, रांची गणेश प्रसाद, जलाल मेमोरियल जयपुर फूड सेंटर एवं गरिमा पॉजिटिव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बिहुला भवन राजेंद्र नगर सहित आश्रम रोड में निःशुल्क कृत्रिम अंग पैर एवं हाथ वितरण हेतु मापी के लिए शिविर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से जरूरतमंद लोग आए। निर्मया हॉस्पिटल रांची के डॉक्टर एच के साहू जी, श्रीमान आशीष कुमार दुबे तथा श्रीमान जनार्दन तिवारी जी के द्वारा मापी लिया गया। साथ ही कृत्रिम अंग के वितरण की तिथि अखबार के माध्यम से एवं दिव्यांग जनों के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सूचित किया गया। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।